हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फैमिली के साथ चिड़ियाघर आई हूँ। आइए आप लोग भी मेरे साथ चिड़ियाघर का लुत्फ उठाइए। काफ़ी समय बाद ये बहुत अच्छी ट्रिप है। ये टिकट घर है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का पूरा नाम है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पहले जब हम आए थे तो इस तरह से नहीं बना हुआ था। अब दर्शक सुविधा केंद्र भी बना दिया है, वेटिंग रूम के जैसा। काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं ये पूरा व्यू। आप मेन चिड़ियाघर के मेन गेट का बब्बर शेर आपका वेलकम कर रहा है। और काफ़ी सारी शॉप्स हैं, चिप्स नमकीन भुजिया वगैरह की। ये फुग्गे गुलाबी जो बच्चों बहुत पसंद आते हैं, बैलून। ये देखिए भारत का तिरंगा, वंदे मातरम सभी को। और अलग अलग काउंटर्स बने हैं, अलग अलग पैक हैं टिकट के। फैमिली पैक है, चिल्ड्रन का 40 रुपये है, एडल्ट्स का 80 रुपये है। और ये देखिए काफ़ी अच्छी बैठने की सुविधा है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अब हम चिड़ियाघर के अंदर इंटर हो गए हैं। ये देखिए लखनऊ जू आपका वेलकम कर रहा है। ये काउंटर है, ये बब्बर शेर सबसे पहली स्टैचू उसी की है। अब हम तोते के पिंजड़े में आ गए हैं। ये देखिए कितने सारे तोते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। आसपास सब मिट्ठू मिट्ठू की आवाज़ें आ रही हैं, सब लोग इनको बुला रहे हैं और ये सबकी तरफ एक्टिव होकर देख भी रहे हैं। ये देखिए नीचे इनका खाना पानी भी रखा हुआ। तोतों को हरी मिर्च बहुत पसंद आती है, मिट्ठू मिट्ठू राम राम, जैसा भी आप इनको सिखाएं वैसा बोलते हैं। ये देखिए तोता कितना अच्छा पंख फैला के उड़ रहा है अपना, बहुत ही सुंदर व्यू है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं ताकि आप इनको यूज़ करें और कूड़ा इधर उधर ना फैलाएँ। चिड़ियाघर के वातावरण को साफ़ सुथरा रखें, सभी का ये राइट बनता है। अब हम सांपों के एरिया में आ गए हैं, सांप घर में आ गए हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके के सांप हैं। मगर चूंकि जाड़ा बहुत हो रहा है इसीलिए सबको कम्बल उड़ाया गया है और सभी उसके अंदर ही छुपे हुए हैं, कोई दिख नहीं पा रहा है हमें। मगर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ये देखिए शीशे का बना हुआ है, अंदर पत्थर डाले हुए हैं, पैरा डाला हुआ है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है, कहीं भी हमें सांप दिखाई नहीं पड़ रहा। ये भारतीय अजगर के बाड़े में हम आए हैं, ये भी इनके भी हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, सभी अंदर छुपे हुए हैं जाड़े में कंबल के नीचे। ये देखिए सब जगह कंबल पड़े हुए हैं। अब हम आ गए हैं कबूतरों के बाड़े में, वाइट वाइट कबूतर प्यारे प्यारे से, जो जिनको पहले चिट्ठी भेजने के काम में लिया जाता था जब पोस्ट ऑफिस नहीं था, फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यही सबका पैगाम इधर से उधर पहुंचाते थे। शांति दूत के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए कितने प्यार से मूवमेंट कर रहे हैं, इनका भी खाना पानी सब मौजूद है इनके बाड़े में। ये देखिए ये अब हम आपको ले चल रहे हैं कल्प वृक्ष की तरफ। ये देखिए मैंने आपको इसको जूम करके और उल्टा करके दिखाया है, ये कितना बड़ा पेड़ है, इतना मोटा तना है इसका, जड़ है, इतनी मोटी तना है, पत्तियां हैं, डालियां हैं, सूखा पेड़ है। और दोस्तों ये कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग में पाया जाता है और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि आप इससे जो भी मांगे वो आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। पारिजात भी इसका एक नाम है और इसका हर एक भाग उपयोगी है मनुष्य के लिए। जड़, तना, पत्तियाँ, डाल, फूल, फल, बीज, छाल सभी कुछ यूज़ में लाई जाती है और सभी का बहुत ही फ़ायदा होता है। ये देखिए चिता फाकता का वाइट डब के सेगमेंट में हम आ गए हैं। ये देखिए वाइट डब, इसको कुछ संस्थान द्वारा गोद लिया गया है, उसी की डिटेल बोर्ड पर दी हुई है। ये देखिए पास से कितना प्यारा लग रहा, वाइट वाइट सॉफ्ट एकदम रुई की तरह से लगता है, इसको एक भी छुओ उंगली तो ये इस पर धब्बा पड़ जाएगा, इतना मुलायम स्पंजी एकदम कॉटन रुई की तरह। ये देखिए कैसे एक्टिव होकर हमारी तरफ देख रहा है जब हमने इसका वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए
इनका भी दाना पानी सब इनके पिंजरे में मौजूद है। चारों तरफ से इनका व्यू देखिए, काफ़ी बड़ा बड़ा है, जिसमें आराम से ये लोग उसमें उड़ सकें, मूवमेंट कर सकें। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी डिटेल्स है। ये भी दूसरा स्टैचू है मगरमच्छ का। यहाँ पर हमारी प्यारी सी बिटिया रानी आ गई है, ये देखिए वीडियो बना रहे हैं ना। ये हम आ गए हैं राजहंस के पास, हमारा हेलीकॉप्टर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जिसमें बैठने का सभी को क्रेज होता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी एक बार अपनी लाइफ में हेलीकॉप्टर में ज़रूर बैठना चाहते हैं। देखिए उससे अब हम आगे की ओर चलते हैं, काफ़ी सुंदर सा पार्क है दोस्तों। चिड़ियाघर में बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, अलग अलग फूल मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। अब हम आगे की देखिए म्यूज़ियम की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे थर्ड फ्लोर का बना हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी अंदर देखने को, कई तरह की कलाकृतियाँ। देखिए अब हम आ गए हैं मगरमच्छ के बाड़े में, काफ़ी बड़ा एरिया इनके लिए दिया गया है। इधर सफ़ेद बाग का एरिया है, बड़ा है सफ़ेद बाग का। आइए अब हम आपको सफ़ेद बाग की ओर ले चलते हैं, देखिए कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे लोगों को देख के एक्ट कर रहा है। ये देखिए पूरा जालीदार चीज़ों से कवर किया गया है, ताकि वो अंदर आराम से मूवमेंट कर सके और बाहर हम लोग सेफली उसके मूवमेंट्स को देख सकें, अपने वीडियो में कवरेज कर सकें, फोटोग्राफ खींच सकें। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये वाइट और ब्लैक कलर की धारियां हैं पड़ी हुई, और इतना स्किन इसकी देखने से मुलायम लग रही है, मन कर रहा है एक बार इसको जाकर छुएँ, मगर चूँकि खतरे से खाली नहीं है और छूने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो सिर्फ हम देख कर ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से मूवमेंट कर रहा है, आ रहा है जा रहा है। दोस्तों चिड़ियाघर में सबका ही क्रेज़ शेर और बाघ और चीता इनके लिए ही ज़्यादा होता है, छोटे पशु पक्षी तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी देखते रहते हैं, मगर चूंकि ये आमतौर पर कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनका क्रेज़ सबसे ज़्यादा रहता है। देख सकते हैं आप इनके ही बाड़ के पास बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, सभी लोग वीडियो कवरेज कर रहे हैं। ये देखिए दो दो हैं, एक उधर पीछे छोटा सा पतला दुबला सा है और ये दूसरा काफ़ी हेल्दी सा है, कुछ बड़ा भी लग रहा है एज में, ये बड़ा भी है और वो छोटा भी है। देखिए दोनों का मूवमेंट देखिए आप, हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने रुक के इसका थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट रिकॉर्ड किया है कि आप लोग भी देखें और आपको भी बहुत ही मज़ा आया देखने में भी, और आपको भी दोबारा से चिड़ियाघर आने का क्रेज पैदा हो। अब हम आगे आ गए हैं, ये देखिए ये लकड़बग्गा है, सो रहा है, मस्ती में सो रहा है, इसको कोई दुनियादारी से चिंता नहीं है, मस्त होकर के सो रहा है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत ही बड़ा चिड़ियाघर है। आप थोड़ा थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा घूमते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए सबके नेम प्लेट लगे हुए हैं, सियार गीदड़ वगैरह सबका सेगमेंट है। बारी बारी से हम सबके पास चलते हैं। ये देखिए हरियाली बहुत है, और हरियाली दोस्तों सभी के लिए बहुत अच्छी होती है, कम से कम वीक में आपको एक बार ऐसी जगह पर ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ पर आकर आपको पूरी तरह से रिफ्रेशमेंट मिलता है, तरह तरह के पेड़ पौधे फल फूल पशु पक्षी ये सब मिलकर के आपको एक नया मोमेंट देते हैं, बहुत ही अंदर से रिफ्रेशमेंट मिलता है आपको, तन और मन दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही इन्जॉयमेंट ट्रिप होती है ये, मुझे भी बहुत ही मज़ा आ रहा है अपनी फैमिली के साथ घूमने में।
काफ़ी सालों बाद, लगभग 10-15 सालों बाद दोस्तों मैं चिड़ियाघर की ट्रिप कर रही हूँ। ये हम आ गए हैं घड़ियाल के बाड़े में। देखिए कितने सारे घड़ियाल है, सब एक लाइन से आराम से सो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। कोई पानी में है, कोई पानी के ऊपर। देखिए सब कैसे पड़े हुए हैं, जैसे लगता ही नहीं है कि इनके अंदर जान है या नहीं है। बिल्कुल पत्थर की तरह से एकदम सपाट पड़े हुए, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए काफ़ी संख्या में है। ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। जब तक उसको वो नहीं मिलेगा उसका खोले रहेगा। देखो बाप रे बाप, ये देखिए दोस्तों कैसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल ये देखिए आराम से मुंह खोले, कोई अपना मुंह खोले हुए, कोई मुंह बंद किए हुए, कोई किसी दूसरे के ऊपर अपना मुंह रखे हुए। ये देखिए कितने आराम से उसके ऊपर अपना मुंह रख करके मस्ती में सो रहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये इनकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। पानी है दोस्तों, ये पानी काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि पानी में ही ये रहते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं जंगल के राजा शेर और शेरनी के पास, जो काफ़ी बड़े एरिया में है और काफ़ी खुला एरिया है। ये बड़े बड़े पत्थर को बना करके एक मचान जैसा बनाया गया है, उसके ऊपर ये विराजमान है। और इस समय का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज का दिन का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली थी, तो धूप का ये आनंद ले रहे हैं ऊपर मचान पर बैठ करके। देखिए कितना अलर्ट होकर के देख रहे हैं सभी को, आने जाने वाले लोगों को, और लोग भी इनको देख रहे हैं, क्रेज़ में आ रहे हैं, क्योंकि जंगल के राजा शेर और शेरनी को देखने का सभी को बहुत ही मन करता है, और सबको ये अवेलेबल सिर्फ चिड़ियाघर में ही हो पाता है। तो वो उतना ऊंचाई पर बैठ करके सबको आराम से देख रहा है और लोग भी इसको आराम से देख रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है और बीच में काफ़ी कैपिंग भी करी गई है, ताकि वो अगर वहाँ से छलांग मारे तो वहाँ फंस जाए, और उधर से भी कोई आए तो इधर अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि ये बाड़े के आसपास काफ़ी घटना ऐसी होती रहती हैं। देखिए काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया गया है, और ये यहाँ पर बोर्ड लगा है, ये इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। 9 फुट का ये होता है, 200 kg इसका वजन होता है, और 20 साल। दोस्तों अब हम आ गए हैं हिरन और बारहसिंघा के बाड़े में। देखिए काफ़ी सारे हैं, बहुत सी संख्या में हैं। ये भी वाइट कलर के हैं, काला हिरन है, मगर काला हिरन इसमें एक भी नहीं दिख रहा है, सब वाइट ही दिख रहे हैं हिरन। काफ़ी बड़ी संख्या में वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। इनकी एरिया भी काफ़ी बड़ा सा है, साफ सुथरा एरिया है, बाकी तो उसकी तरह कोई नहीं है। और देखो ये देखो नीता, दोस्तों ये बारहसिंघा है, ये देखिए अकेला अपने बाड़े में टहल रहा है, कोई भी इसका संगी साथी नहीं है। ये देखिए अकेला मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहा है। और चूंकि शाम का समय हो गया है, चिड़ियाघर बंद होने का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो जल्दी जल्दी हम सभी जगह आपको घुमाते हैं। और चूंकि इन लोगों को खाना पानी देने का भी समय आ गया है, चिड़ियाघर के कर्मचारी सभी के बाड़े में खाना पानी रख रहे हैं। और आज का दिन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा, आज का वेदर भी बहुत ही अच्छा था। ये देखिए ये पटरी है, इसी पर बाल ट्रेन दौड़ती है, जो हमें पूरे चिड़ियाघर की सैर कराती है। ये देखिए आगे अब हम आ गए हैं, हिरन के बाड़े में। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे हिरन हैं जो दौड़ भाग कर रहे हैं। हिरन अपनी दौड़ने के लिए जाना ही जाता है, और यहाँ पे सब दौड़ के ही हमें दिखा रहे हैं, अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी सुंदरता से ये सब खड़े हुए हैं, पानी का भी एरिया है, सूखा एरिया भी है, जो पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। अब इधर से आगे बढ़ते हुए ये देखिए पेड़ों फूलों के साथ साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर पेड़ों की ये खासियत है कि यहाँ पर पेड़ों पर भी आपको जानवरों के फेसेस बनाए हुए मिल रहे हैं,
चीतल के, हिरन के, सभी जानवरों के फेस पेड़ों पर भी बनाए गए हैं। ये देखिए, ये शुतुरमुर्ग है, ये यहाँ पर ये सिंगल ही दिखाई पड़ रहा है हमें, वाइट और ब्लैक है और ऑरेंज कलर के इसके पैर हैं। और ये हम लोग की तरफ ना देख के उधर अपोजिट साइड में देख रहा है दोस्तों। कोई जानवर ही नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा कुछ। अब ये दोस्तों नई चीज़ हो गई चिड़ियाघर में कि अब इस तरह वाले नए स्टैचूज ये बनाए गए हैं जानवरों के, और नए नए प्लेट्स लगाए गए हैं। ये देखिए, हम लोग चीतल के बाड़े में आ गए हैं, जो ब्राउन कलर के होते हैं और इनके पर वाइट डॉट्स पड़े होते हैं। सिंगे भी इनकी काफ़ी बड़ी सी होती हैं। ये देखिए दोस्तों, पेड़ पर ही चित्रकारी बनाई गई है जानवर के फेस की। ये देखिए, ये चीतल हमारी तरफ देख रहा है बिल्कुल गौर से, हम मूवमेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, देख रहा है, हम इसको कवर कर रहे हैं, तो ये हमारी तरफ ही देख रहा है बड़े ही प्यार से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, चीतल का फेस बनाया हुआ। अब इसी से आगे आते हुए दोस्तों, पेड़ यहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में हैं, जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही सुंदर बना रहे हैं और प्रदूषण मुक्त बना रहे हैं। आप यहाँ पे खुली हवा में ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतना साफ़ सफाई रखी गई है। और दर्शकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो यहाँ सही से रहें। ये देखिए, ट्रेन का मेमो है, और ये इधर बंदर का बाड़ा है, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये मुझे एक लग रहा है पुराना मंदिर टाइप का चिड़ियाघर में, जो खुला एरिया में है, ना इसके दरवाजे हैं, ना ही छत है, ना ही दीवार है, सिर्फ ये एक देहरी टाइप की बनाई हुई है। इसी में अंदर जा कर के देखिए, ये एक चबूतरा सा बना है, इसमें एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ और काफ़ी कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको ये देखिए, एक ब्लैक कलर की ये मूर्ति दिखाई पड़ रही है, पंचमुखी, ये पता नहीं किस भगवान की है, समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए, ऐसा गेट, ऐसा दरवाज़ा बना हुआ, ये पुराने ज़माने का, इसमें कुछ भी नया नहीं किया गया है। ये अब हम आ गए हैं राजहंस के बाड़े में। यहाँ पे बहुत सारी संख्या में राजहंस आपको मिलेंगे, वाइट कलर में है, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, ऑरेंज कलर की इनकी चोंच है, ऑरेंज कलर के इनके पैर हैं, और इनके बहुत सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने काफ़ी देर तक रुक कर रिकॉर्ड किया है। कोई उड़ रहा है, कोई बैठा है, कोई दाना चुग रहा है। इसमें इनके पास पानी का भी अच्छा इंतज़ाम है, बहुत प्यारा पानी लग रहा है, खाली जगह भी है, पेड़ भी है, जिसकी जहाँ मर्जी रहे वो वहाँ बैठ रहा है। देखिए, वो अपने पंख फैला रहा है, उड़ रहा है। इसको पास से मैंने आपको जूम करके दिखाऊंगी, देखिए। अरे सीन तो देखेंगे, उसको भी तो देखो, बात तो कर रही ना, कौन तो बात कर देगा, तू उधर निकली जा रही, फिर इधर देखेगी, हम लोग इधर गायब हो जाएंगे। हाँ, ले रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा एरिया है, देखिए आसपास का एरिया कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। अब इनके पास हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, वाइट वाइट कलर के कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पानी का व्यू देखिए, पानी की लहरें जो हलचल कर रही हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, पास से देखिए इनके मुंह में, ये पानी में तैर रहा है, कोई पानी के ऊपर बैठा हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, वेरी ब्यूटीफुल सीन, आई एम वेरी हैप्पी। ये देखिए, ये अपने पंख फैला के खोल के हमें दिखा रहा है। देखिए, पानी में कितने आराम से तैर रहे हैं, बिल्कुल आराम से। वो नीचे बैठे हुए हैं उसमें, घास में, पानी में कुछ ढूंढ रहे हैं, खाने पीने का सामान अपना। ये देखिए, ये देखिए, पकड़ रहे हैं पानी से कुछ। ये पत्थरों पे बैठा हुआ है, ये देखिए, वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन में, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अलग अलग जगह पे बैठे हुए, क्योंकि इनके बाड़े में सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पानी भी है, खाली जगह भी है, पत्थर भी हैं, तो अलग अलग जगह पर आपको ये सारे बैठे हुए मिल जा रहे हैं। ये देखिए, राजहंस की पूरी डिटेल्स हैं, भारत में सभी जगह पाए जाते हैं। ये 4 फीट इनकी ऊंचाई होती है।
मुझे ये बहुत पसंद आया दोस्तों। इसलिए मैंने इनका वीडियो बहुत ही समय लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। ये देखिए, ये लंगूरी बंदर का सेगमेंट था। ये देखिए कछुए के पास आ गए हम। काफ़ी लकी माना जाता है कछुआ, घर में रखना लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। देखिए अब हम सारस के पास आ गए। ये वाइट वाइट सारस है, दिख रहा है आपको। ये एमू के बाड़े में हम आ गए, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एमू। वो देखिए बड़े आराम से बैठा हुआ है, वाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एमू बैठा हुआ है, आराम से अपना पोजीशन लिए हुए। इसका पीठ का एरिया थोड़ा कछुए के जैसा लगता है, मगर चूंकि है नहीं, यहाँ पर बाल होते हैं इसके। ये देखिए जिराफ को देखिए, जो लंबाई के लिए जाना जाता है अपनी। ये देखिए दोस्तों कैसे अपनी गर्दन को नीचे करके हमें देख रहा है। इसके आगे हमारी एक और एमू के पास आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों मोर दिख रहा है हमें, हमारा प्यारा मोर, ग्रीन और ब्लू कलर में, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका नृत्य बहुत सुंदर माना जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए आपको बारहसिंघा के बाड़े में आ गए हैं। ये देखिए इसकी एक्टिविटीज, ये देखिए ये बाल ट्रेन की सवारी, ये हमको चिड़ियाघर के पूरा राउंड दिखाएगी। देखिए कैसे इसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े लेडीज जेंट्स सभी इस ट्रेन में बैठ करके चिड़ियाघर का सवारी का लुत्फ ले रहे हैं। ये देखिए शेर के मूवमेंट देखिए, ये देखिए कितना बड़ा मुंह पहाड़ के जमाई ले रहा है। शेर ने ऊपर बैठी है, शेर नीचे बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। कितना प्यारा व्यू लग रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम इनको लाइव देख रहे हैं। अब हम मम्मीज के सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, जैन आर्ट गैलरी में। ये म्यूजियम के अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिए राजा महाराजा की अलग अलग तरीके की तलवारें हैं। ये गणेश और शिव जी की मूर्तियां हैं, काफ़ी पुरानी हैं। ये कई प्रकार की बंदूकें हैं। ये कई शेप और साइज के फरसे हैं। ये अलग अलग साइज और शेप के सिक्के हैं। ये देखिए ये उर्दू में रामायण लिखी हुई है, जो बहुत ही प्राचीन समय। ये शीशे का हुक्का है, जो बहुत ही प्यारे ग्रीन कलर में है। ये वीणा है, तो बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है।
ये कुछ पुराने ज़माने की तस्वीरें हैं। ये महात्मा बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ये महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का दृश्य है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये